इस बॉक्स में आई थी हमारी सारी चीजें, तो मैंने इधर ये कुछ बस बेबी के ही प्रोडक्ट्स ले हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो क्योंकि मेरे पतिदेव के दांतों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, डेंटिस्ट के पास जा रहा है। तो लेके दादी परी मम्मी गए, मम्मी बेचारे बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अब आएंगे हम। हॉस्पिटल बैग पैक तो कर लिया है अपना भी, बेबी का भी, बट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिनों में उसको। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो रहा है 6:39 और आज का मौसम, तो आज हमने निकलना है रामपुर। तो मम्मी इतनी जल्दी उठ गया ना, कल मैंने बोला था ना कि सिड्डू बनाएंगे, तो मम्मी रात को आटा लगाना भूल गए थे, तो मम्मी ना 2 बजे उठ के रात को आटा गूंदने लगे। मेरे को वैसे पता तो लग गया था क्योंकि मैं पूरी रात वैसे दौड़ती ही रहती हूँ ना, तो फिर मैंने देखा मम्मी क्या करे 2 बजे उठ के, और देखा तो मम्मी आटा गूंद रहे थे 2 बजे। यार माँ, तुम माँ के लिए कोई शब्द नहीं है गाइस। मम्मी ने इधर देखो बना भी दिए सिड्डू 6 बजे। है ये क्या आ गया? अच्छा, 6 बजे उठ के ही सिड्डू बिट्टू बना दिए, सारी चीजें कर दिए। मतलब ये है मेरे स्वादिष्ट स्वादिष्ट घी और सिड्डू। दलजीत जी हमारे घी सिड्डू का आनंद लेते हुए, ये मेरे, ये मम्मी का। तो अब हम चल पड़े हैं वापस, सारे बैग बिस्तर लेके, दादी परी मम्मी गए, मम्मी बेचारे बहुत आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे, इनसे चला नहीं रहा था। तो हम जा रहे, बैग बहुत भारी, इतने सारा सामान लेके जा रही हूँ ना, क्योंकि क्योंकि सारा सामान यही लेकर आई थी। अब आएंगे हम। बाय बाय बाय। इतने टाइम बाद जा रही हूँ ना, जाते वैसे घिसटा ऐसा लग रहा है। ओए 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 अंकल जी। तो फिर अभी मिल पहुंचे मार्केट। तो ये है हमारे यहाँ की मार्केट, और आज के ट्यूसडे आज, तो फिर अभी हमारे को रामपुर जाके भी बहुत सारे काम करने को है। दलजीत की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो बोल रही हूँ ना, आजकल हमें अपने ऊपर कुछ ग्रह दशा वाले पार्ट फूट करने पड़ेंगे पूरे, ऐसे जैसे मेरी फैमिली में मम्मी भी बीमार है, पापा का भी थोड़ी तबीयत, पापा की भी तबीयत खराब है, मैं तो चलूँ, दलजीत को भी अब ऐसे ही दर्द निकल दिया। नहीं नहीं हेलो दोस्तों, तो रामपुर पहुंच गए और अभी हम जा रहे हैं मार्केट तक, क्योंकि मेरे पतिदेव के दांतों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो बस अभी इनकी लास्ट ईयर फिर हो जाएगा। यार ये देखो कैसे सोया हुआ सड़क में, इतना भी नशे के उसमें पागल नहीं होना चाहिए गाइज, कि आपको कुछ पता ही ना चले आप कहाँ हो कैसे हो। गर्मी बहुत ज़्यादा, बस डेंटिस्ट के पास जाएंगे, फिर सीधा निकलना है, मेरे कुछ पार्सल है खनैरी में वो चखने हैं मेरे को, फिर हम सीधा जाएंगे रूम। ये देखो लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं ना कि पागल तो नहीं है ये। तो देखो सतलुज आजकल तगड़ी है, दलजीत आगे आगे चले हुए, मैं भी इनको पीछे इनका पीछा कर रही हूँ। तो बाजार पहुंचते सबसे पहले हम लोग गए डेंटिस्ट के पास, वहाँ पर हमें लग गया था 1.25 घंटा। उसके बाद फ्री हुए, फिर कुछ सब्जियाँ वगैरह ली, उसके बाद मैंने ना कुछ भी बाजार में शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर हमने कुछ भुट्टे और पुदीना लिया चटनी के लिए, रूम में आके सो गए थे, सो के जैसे ही उठे हमने, मम्मी ने को घर से दिए थे सिड्डू पैक करके, वो खाए, और आधी निंद्रा में मैं उठती हुई। हालत इतनी ज़्यादा बिखरी पड़ी है ना, यह हमेशा ही होता है यार, जब भी मैं घर से आती हूँ ना, मतलब एक तो मैं आने से पहले भी ऐसे छोड़ के जाती हूँ, और ऊपर जब मैं आती हूँ तब तगड़ा ही खलारा पड़ा होता है। तो अभी मेरे पास कुछ ना वो बेबी के मैंने जो स्किन केयर मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाए थे वो सारे पहुँच गए, लेकिन आप लोगों को मैं बोलूँगी प्लीज़ टाइम से पहले ही ऑर्डर कर ले करो। वैसे सारे पहले टाइम से पहले ही सारी प्रेपरेशन करते रहते हैं, मैं ही शायद इतनी लेट लतीफ़ू जो अब एंड के लिए रही थी कि हाँ लास्ट टाइम मैं शॉपिंग करूँगी, तो बट लकीली मेरी सारी चीज़ें आ गई है, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर करा। इस बॉक्स में आई थी हमारी सारी चीज़ें, तो मैंने इधर ये कुछ बस बेबी के ही प्रोडक्ट्स ले हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, वाइप्स वगैरह, ये ऑयल वगैरह, और ये बाकी मैं आपको जब मैं हॉस्पिटल बैग पैक करूँगी उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। ये बस ये चीज़ें मदर्स पर्स की है, और ये सेबामेड के, बाकी वाइप्स मैंने चिकू ब्रांड के लिए हुए हैं, बाकी बस यही चीज़ें जो मेरे को ज़्यादा समझ आ रही थी। और जॉनसन्स की तरफ मेरे को ये था कि
काफ़ी सारे मैं मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके ये सारी चीज़ें मंगाई है। अब पता नहीं ये सेवा बैठ के भी कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें तो बेबी जब आएगा उस पर यूज़ करूँगी उसके बाद ही मेरे को पता लगेगा, वरना ऐसे हर एक ब्रांड पे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ये तो मिलता है मिलता ही रहेगा, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगा। बाकी अब देखते हैं यूज़ करके। क्रीम मेरे को इस क्रीम पे मुझे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ इसके नहीं मिले, बट क्योंकि वो था कि समर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है इनका क्रीम, लेकिन अब तो ऐसा है कि मतलब समर्स के लिए अच्छा नहीं है, बट अभी तो आगे सर्दियाँ आ जाएगी तो फिर मेरे को ये था कि हाँ मैं ये क्रीम ले लेती हूँ। बस यही चीज़ें ली है मैंने, बाकी देखते हैं बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। प्रेपरेशन तो मेरी सारी अच्छे से हो गई है, बाकी आगे की चीज़ें भी अच्छी हो जाए जैसे भगवान की कृपा से। तो बैग पैक तो कर लिया है अपना भी बेबी का भी, बट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिनों में उसको, क्योंकि मेरे को उस हॉस्पिटल बैग को लेकर कमेंट थे और इंस्टा पर भी मेरे को मैसेज थे कि प्लीज़ हॉस्पिटल बैग अपने दिखाना, क्योंकि यार मैं भी जब अभी पैक करी थी मैंने भी बहुत सारा रिसर्च करके ये सब कुछ चीज़ें देखी है कि क्या क्या बहुत कुछ सर्च करा, उसके बाद जाके मेरी प्रॉपर हुई, लेकिन फिर भी मेरे को अभी ऐसा है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है या नहीं है, पर चलो सारी चीज़ें हो जाती है क्योंकि मेरा रूम और मेरा हॉस्पिटल में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का है, तो हो जाएगी सारी चीज़ें आराम से, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करूँगी। तो चलो अब डिनर वगैरह का देखते हैं, आज मैं सिंपल सी मलका की दाल ही बनाऊंगी क्योंकि 6:30 का टाइम हो रहा है, दर्जी जिम गए तो हो जाएगी सारी चीज़। बाकी बकवास बाद में करती हूँ, पहले चेंज कर लेती हूँ, पहले सुबह से चेंज नहीं किया, हम पहुँच गए तो रूम 1 बजे और अभी 6-7 बजे मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। अब बाकी का काम बाद में करूँगी, पहले मैं ग्रेप्स खा लेती हूँ यहाँ बैठ के क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत अंदर, अभी तक थोड़ा बहुत सारा जो काम था ना वो कर रही थी तो गर्मी बहुत हो रही है, ऐसी स्वेटिंग हो रही है ना, कंटिन्यू स्वेटिंग हो रही है कंटिन्यू। तो अभी ये कपड़े जो दलजीत ने धोए मैंने डाल दिए सुखाने को बाहर, और ये वाइट वाली शर्ट ना मतलब सुबह क्या होता है इस पर से ऊपर को डाल लेते हैं ना कपड़े, इस तरह बंदर चलते हैं ना तो इन पर से दाग छोड़ देते हैं अपने निशान छोड़ देते हैं। बारह बजे वाली क्रेविंग गाइस, खानी है तो खानी है, 12 बज रहे 1 बज रहे जो बज रहा है, मेरी क्रेविंग मेरा खाना पीना तो मेरे को समझ आता है, लेकिन दलजीत मेरे साथ साथ में आपका पेट भरना तो मेरे को नहीं आता। कंपनी देने वाला तो कोई चाहिए ना? नहीं नहीं तो बिना कंपनी के भी चल पड़ता है। शीत यार हम तो ये भी लेकर आए थे, ये तो हमने भुने ही नहीं। 12:30 हो रहे हैं अभी, अब जाके नहा रही, इतना ज़्यादा चिपचिपा हो गया था ना, मतलब नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे, लेकिन दर्जी तक नहीं सोया आज, अब नहा धो के अच्छा लग रहा है, अब फ्रेश हो गई हूँ, अब शायद कहीं जाके मुझे नींद आएगी। बाहर इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बाहर कूलर चला है फ़ैन चला है तो उसके उस वजह से आवाज़ नहीं आती है, तो देखते हैं अभी एडिटिंग करती हूँ कितना कितना वीडियो हुआ हो, ट्राई करूँगी अगर नहीं आएगी तो एडिटिंग कर दूँगी, मतलब मैंने आजकल एडिटिंग मतलब 10 मिनट में कर रही हूँ यार, ऐसे ऐसे मेरे को पता भी नहीं लगता, बीच में क्लिप्स मैंने हर कुछ करी होती है, कहीं मिस भी की है बीच में, तो एडिटिंग बड़ी वो हो रही है मेरे को, मौत आती है, मतलब जो होता नहीं है जैसे पता नहीं क्या ये मैंटेलिटी ऐसी होगी कि जैसे स्कूल में होमवर्क करते होते ना, होमवर्क करने से टरकते थे हम, वैसे एडिटिंग करने से टरक भी हूँ मैं, जैसे फ़ोन खोलूँगी ना फोन में ऐसे रील्स फालतू में देखती रहूँगी स्क्रॉल करती रहूँगी, लेकिन ये नहीं है कि एक बार उधर जाके एडिटिंग करूँ, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब वीडियो का एंड, यार जितनी भी होगी उतनी ही है, तो कल मिलते हैं अब आपको शायद, अब यहाँ पे तो क्या ही ब्लॉग बनाऊंगी, बाकी देखूंगी मार्केट जाऊंगी थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो करूंगी, बस गुड नाइट गुड मॉर्निंग, वैसे 1 बजने वाला है अब तो।